जैसा कि हजरत कारी जुमे साहब काम बरकत को फरमा रहे थे कि हजरत मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना आसिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का दोनों का अजीब मोहब्बत का ताल्लुक था दोनों को। तो आइए अब हम दोनों के इकट्ठे उस्ताद, यदि दोनों ही के उस्ताद होते हैं, हजरत मौलाना आसिफ साहब के भी उस्ताद होते और हजरत मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्ताद होते हैं, जनाब कारी वनपुरी मौलाना याकूब साहब कोसारी राहत बरकत को जो यहाँ के शोबे तजवीद के सदर भी हैं, उनसे मौतबा ने दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएँ और दोनों के मुताबिक अपने काबिलियत की गरिमा पेश करवाएं। आज का ये जलसा हमारे लिए इंतहाई गमी अफसोस
और सदमे का मौका ले रहा है कि कल गुलाब पेश आया, जब हम आया चीज साहब ने इतना दी तो उन्होंने इस इतना को कबूल नहीं किया। मेरे घर में गमी का माहौल था, आकर पूछते क्या हुआ। सबसे पहले अल्लाह की गवर्नमेंट से दो रखा पैदा की दुआ की, बच्चों ने पूछा मैंने नहीं बताया, मैंने अंदाजा किया कि मैं अपने बच्चों को ये दर्दना और इतना संगीन हादसा नहीं बता रहा हूँ जिनके ये अगले बच्चे हैं उनके ऊपर न मालूम बदल मौला इस्माइल साहब की शक्ल में पैदा फरमाए और अल्लाह ये काम दुआ के बगैर वाकिल करवाना।